प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते रहे करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ मेरे अजीजों। और आज की प्रार्थना आपको पता ही है कि महिला बहनें बेटियों के ऊपर है। क्यों है ऊपर? क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे व्याकुल फिर कर दिया, क्योंकि दुख देखकर, परेशानी देखकर, और इतने फ़ोन मेरे पास आते हैं, कितनी बहनें पाप में गिर चुकी है, कितनी बेटियां पाप में गिर चुकी है, कितने लोग अपने पति से तिरस्कार कर रहे हैं, पति शराब पी के मारते हैं, कितनी बहनें बेटे के कारण दुखी है, बेटे के कारण दुखी है, परिवार के कारण दुखी है, अपने आप से दुखी है, बीमारी से दुखी है, तकलीफ से दुखी है, दुखी है वो अपने भाई से दुखी है, इस संसार से दुखी है। ये परमेश्वर की आवाज़ है मेरे अजीजों, जो आपके आंसू बनकर भाई आई। आपके आंसू जब देखे परमेश्वर ने, तो ये वचन कहने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा करा। आज प्रोफेसी है, अब भविष्यवाणी उन बहनों के लिए जो आंसू बहाती है, बहुत रोती है, खुद बदलना भी चाहती है, त्यागी हुई है, विधवा है। टोटल ये प्रार्थना सभी के लिए है, टोटल प्रार्थना, हालेलुया। आज जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माँ हैं, उन सभी के जीवन में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते आज की इस प्रार्थना को पिता अपने हाथ में लेना और एक अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर इस कार्य को करना, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु की बेटियों, आप बहुत परिश्रम करते हो, प्रार्थना करते हो, आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है, मेरा पति क्यों नहीं बदल पा रहा, मेरी बेटी क्यों नहीं मिल पा रही, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रही, मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएगी, कब आएगी। आपके आपसे पाप हुआ, आप प्रायश्चित करना चाहते हो, आपने जवानी में पाप किया, प्रायश्चित करना चाहते हो, आपका पति छोड़ के चला गया, आपके पति दुनिया से चला गया, अब अकेले हो चुके हो, आप रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, आप बीमारी को देख के रो रहे हो, मैं कब ठीक होंगी, मेरा पति कब ठीक होगा। आंसू बहा बहा के आपने अपनी आंखें धुंधली कर दी है। आज उसी आंसू का जवाब मेरे परमेश्वर ने आपको दिया है, हालेलुया। ये जाता हुआ साल आपके लिए आशीष देकर जाएगा, छुटकारा देकर जाएगा। ये सिर्फ आज से 3 दिन आपके जीवन के महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के नाम में। निकालेंगे वचन जो परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बात करी, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज जो इस संदेश को सुन रहा है, जो सुनेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आज परिवर्तन करेगा। अपने आंखों से अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति, अपने आप को, अपने घर को बदलते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आत्मोन्नति होगी, बीमारी से, परेशानी से, कर्ज से, जहाँ जहाँ आप दबे हो, सबसे छुटकारा प्रभु देगा। आज आपका दुख, चाहे किसी भी कारण क्यों ना हो, किसी भी कारण क्यों ना हो, परमेश्वर आपके दुख पर दृष्टि कर चुका है, हालेलुया। निकालेंगे यर्मिया उसका 30 अध्याय, यर्मिया 30 अध्याय और उसका 17वां वचन। यर्मिया 30 अध्याय का 17वां वचन क्या लिखा है? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। कौन से घाव? जो आपको लग गए संसार की तरफ से, जो लग गए पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, कुछ बोल दिया, ठेस लग गई, आपने जिस पर भरोसा करा वही आपको घाव देकर चला गया, आपने पापी प्रेम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां पे आपको शर्मिंदगी, लज्जा मिली। आप एक छोटी लड़की हो सकते हो, एक माँ हो सकते हो, ये सबके वचन है। आपने जिस पर भरोसा करा वही आपको धोखा देके चला गया, आपके जीवन में घाव है, तिरस्कार है, आपको आदर नहीं मिला। यह लिखा है, मैं तेरा इलाज करके, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। आपको तिरस्कार कहा जाता है, आपको बहुत बुरा बोला जाता है, अरे जब से हमारी लाइफ में ये कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, अरे जब से यहाँ ये, जब से बर्बाद हो गए हम, आपको कोई देखता नहीं, आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, आप रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, आपको लग रहा है कि दुनिया से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी माँ, प्रभु ने आपको नई जिंदगी दी है। ये जिंदगी परमेश्वर की है, संसार की नहीं। आप जियो तो परमेश्वर के लिए जियो, जियो तो मसीह के लिए जियो, वो आपको शरमणी बनाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, आप
प्रभु के काम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आप आत्मिक उन्नति चाह रहे हैं लेकिन पाप आपको बार बार घेरता है। लेकिन आज आप पूरी तरह से आज़ाद होंगे। आपके पति छोड़ के चला गया, आपको धोखा दे के चला गया, कहीं शादी कर लिया, अवैध संबंध में है, आज वो भी टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। इसी का यर्मिया 31 का 16 वचन, यर्मिया 31 का 16 वचन क्या लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा मेरी बहन, रुक जा मेरी बेटी, रुक जा मेरी माँ, रुक जा प्रभु के लिए, रुक जा। बहुत रो लिए, पति पत्नी बच्चे दामाद बहू सबके रो रहे हो आप, अपने आप के लिए, संसार के लिए, जगत के लिए। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका कारोबार ठप है, हर एंगल से दुखी दुख है आपके लाइफ में, दुखी दुख है, शादी कैसे होगी। परमेश्वर कह रहा है या वही कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है, मिलने वाला है आपके परिश्रम का फल। आपका पति शराब के नशे से, बुरी आदत से, बुरे संबंध से बाहर आने वाला है। आपका पति जहां कहीं भी प्रभु से लेके आने वाला है। हालेलुया, आप बीमारी से आज़ाद होने वाले हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आप पाप से आज़ाद होने वाले हो, आप अकेलेपन से आज़ाद होने वाले हो। अगर आप एक अकेले मसीह मानने वाले, पूरा घर विरोध कर रहा है, तो पूरे घर में आपके कारण उजाला आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें, ये परमेश्वर का पैगाम है आपके लिए, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, जो शत्रु के देश में पहुंच चुके, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन बेटा बेटी, परमेश्वर उसको वहां से निकाल के लाएगा। यानी कि पाप के बंधन में है आपकी बेटी, पाप के बंधन में है आपका दामाद, पाप के बंधन में आपकी बहू, पाप के बंधन में, या लड़ाई झगड़े में, शैतान में, वहां से प्रभु उसको लेके आएगा। हालेलुया, आपके आंसू की कदर कर रहा है। आपकी माँ, आपके पापा परेशान है, बीमार है, आप एक बेटी हो, आप प्रार्थना करवा रही हो, परमेश्वर आपकी आंसू को देखा है। अब कोई भी हो, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक बहू, परमेश्वर आपको हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपने बहुत पिटाई खाई अपने पति के कारण, गुस्सा झेला है, शराब झेली है, बहुत कुछ झेला है, आज आप छुटकारा पाओगे। यशया 54, यशया 54 क्या लिखा है, हे बांस तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर। बहुत लोग बांझ हैं। जब प्रभु ने प्रोफेसी करवाई थी जनवरी के महीने में 2020 में, तो बहुत लोगों के प्रभु ने संतान खोली थी, संतान की आशीष दी थी। क्या लिखा है, हे बांस तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे पसा पीड़ा नहीं होती हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागे इनके लड़कों से अधिक होंगे। यह हुआ का ही वचन है, संतान की आशीष प्रभु आपको दे रहा है। आप संतान ना होने के कारण सुसल में पीसे जा रहे हो, तिरस्कार हो रहा है, मारपीट हो रही है, दूसरी शादी की धमकी दी जा रही है, परमेश्वर आपका गवाह है, आपके विद्रोही का मुंह बंद कर देगा। यहोवा का ये वचन है 4 से, मत डर। डर बहुत लगता है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरा पति सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, बहुत डर है आपको। और ख़ासकर जिनके पति हाल ही में गुजरे हैं, या एक्सपायर हो गए हैं, या गुम हो गए हैं, आपको लगता है क्या होगा। शांति देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। क्या लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। लज्जित होने का मतलब है अपने पाप से बहुत लज्जित हो गए हो, अपने आप से आप बहुत लज्जित हो गए, गुनाह कर करके, पाप कर करके आपने धोखे दिए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको पवित्र कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप उस गड्ढे से, उस विषय गड्ढी से, उस व्यविचार के गड्ढे से निकलेंगे, मेरी बहन मेरी बेटी, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर साई ना चलेगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम दराई को फिर स्मरण ना करेगी। याद करो, जवानी में जो पाप हुए थे परमेश्वर से मिटा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और विधवापन, जो विधवापन है, जो विधवा है बहने, उनके जीवन में परमेश्वर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि क्या लिखा है, जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम दराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हालेलुया, वही तेरा साथी है, वही तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वही सारी पृथ्वी का भी छुड़ा
परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। अब सुनो, ये वचन सब बहनों के लिए है, यानी कि फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए, परमेश्वर की बेटियों के लिए है। सुनो, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। आप बहुत दुखिया, छोड़ी हुई, त्यागी हुई, जवानी में पाप करे हुए, पाप के दलदल में फंसे हुए, लेकिन आज आपको प्रभु ने चुना है। आप प्रभु की बेटी हो, चुनी हुई हो आप। कमान, खड़े हो जाओ, त्यागो संसार को, त्यागो उस पाप को, त्यागो उस रिश्ते को जो पाप खिलाता है। आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था। पाप के कारण आपको लगा परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, आपको लगा कि नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, परंतु आप बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे परमेश्वर की बेटियों, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको दया कर रहा है, बड़ी दया कर रहा है। और आपके विरुद्ध में अगर कोई भी है, आपके विरुद्ध में कोई भी है, बीमारी, गरीबी, परेशानी, लाचारी, पति के शराब, पति के अवैध संबंध, बेटा बेटी के शराब, बेटा बेटी के अवैध संबंध, या कोई भी चीज़ आपको दुखी कर रही है, या कोई भी डाउट आप पे कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये वचन आपके लिए है। इसी का सत्रह, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आज के बाद से कोई सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से आप प्रभु की बेटी हो, प्रभु की प्रजा हो, प्रभु की प्रजा हो आप। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबको तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बात होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है, आप पे कोई केस चल रहा है, उस केस में भी प्रभु आपको बरी कर देगा, छुटकारा देगा, डिवोर्स का केस कैंसिल हो जाएगा। आपके आंसू, आपके दुखिया, आपका मन की दुखिया बहनों, परमेश्वर ने आपकी सुधी ली है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस सामर्थ्य के लिए पिता, जो आपने एक अद्भुत काम करवा है पिता, अपने दास से प्रभु जी। और जहाँ जहाँ ये प्रार्थना जारी, जहाँ ये प्रोफेसी जारी, जहाँ ये प्रार्थना जारी है पिता, उन बहनों को, उन पिता माओं को, उन पिता तेरी बेटियों को तू छुटकारा देना, उनके आंसुओं को तू पिता परमेश्वर हालेलुया पोछ डालना पिता, उनका कर्ता, उनका पति बन जाएगा। हालेलुया पिता। हाँ मेरे पिता, ये बहुत उदास है, बीमारी में, तकलीफ में, कर्जे में पिता, पति पत्नी के झगड़ों में पिता। हाँ मेरे पिता, ये दुखी है पिता, मन की दुखी है, ठुकराई हुई है पिता, विधवापन है पिता, अकेले मानने वाले, इन सब को तो छुटकारा देना यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक वृत्ति में आगे बढ़ाना हालेलुया पिता, पाप के बंधन से वापस निकालना पिता, ये बाहर आ सके पिता, तेरी महिमा के लिए जाने जाए। जैसे पिता सामरी स्त्री, वो जब आपने उसे गड्ढे से निकाला तो वो आपकी दीवानी हो गई, ऐसे ही दीवानापन के जीवन में आ जाए तेरा पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू ले पिता, आज इनकी प्रार्थना को आंसर दे, इनके परिश्रम का प्रतिफल मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो उन्होंने प्रार्थना अभी तक करी है वो पूरी करना पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज ये तेरी आत्मोन्नति में आगे बढ़े, मसीह जीवन में आगे बढ़ाना, पाप शराब अधर्म से उनको छुटकारा देना, दुख मुसीबत से, परेशानी से, गड्ढे से बाहर निकालना। और आप ऐसा कर चुके हो, मैं विश्वास कर रहा हूँ, आपने इनके आंसू की सुधी ली, मैं विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया, आपको अपनी प्रजा, अपनी बेटी बना के अधिकार दे दिया है। अब आप अकेले नहीं हैं, जगत का, इस पूरे कायनात का सृजनहार आपका साथ है। परमेश्वर पिता आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की प्रार्थना। इस प्रार्थना को देखे, शेयर करे, विश्वास करे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।